साल के पहले सूर्य ग्रहण के चलते मंदिरों के कपाट बंद किए गए, जिसके बाद सूर्य ग्रहण के मोक्ष काल पूरे होने तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण लगने से पहले सूतक काल लग जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं और मंदिरों के कपाट भी बंद किए जाते हैं, ताकि भगवान पर भी ग्रहण का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही संगम या पवित्र नदियों में स्नान कर मंत्रों का जाप और इष्ट देवों का ध्यान कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण के 10 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जिसके बाद मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाते हैं। इस दौरान लोगों को अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए और ना ही देव मूर्तियों का स्पर्श करना चाहिए। हालांकि बालक, वृद्ध और रोगी के लिए ये बातें निषेध नहीं है। ग्रहण के आरंभ से पूर्व और मोक्ष के बाद गंगा संगम स्नान करके दान देने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण काल में किया गया अनुष्ठान अत्यंत फलदायी होता है। बड़े हनुमान मंदिर के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मुताबिक सूर्य ग्रहण का मोक्ष काल दोपहर 2:31 पूरा हो जाएगा, जिसके बाद बड़े हनुमान मंदिर में लेटे हुए प्रतिमा का जल, गंगा जल और दूध व दही से अभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद 4:00 महाआरती के साथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। सनातन परंपरा में चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, भारत के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हमारी परंपरा है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगने से पहले 12 घंटा पहले सूतक होता है, उसी समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और 2:31 पे वह मोक्ष होगा। तो श्री लेटे हनुमान जी की उस समय मोक्ष के बाद, सूर्य ग्रहण के मोक्ष के बाद भगवान हनुमान जी का गंगा जल से अभिषेक किया जाएगा, दूध दही से अभिषेक किया जाएगा। पूजन आरती के बाद सायंकाल 4:00 भक्तों के लिए खोला जाएगा। ग्रहण काल को पुण्य काल माना जाता है। ग्रहण के आरंभ से मोक्ष तक किया गया मंत्र जाप पूरे चरण का फल देता है। ग्रहण में गंगा संगम स्नान करने से महान पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। ग्रहण के आरंभ और ग्रहण पूर्ण होने पर भी स्नान करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक जो व्यक्ति अंतिम स्नान नहीं करता है, उस पर तब तक सूतक लगा रहता है जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आ जाता।